शाहरुख खान को लेकर अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसने सबको शॉक्ड कर डाला है। खबरें हैं कि किंग खान की फिल्म जीरो के सेट पर एसआरके का डायरेक्टर के साथ विवाद हो गया था और वो भयंकर लड़ाई में तब्दील हो गया था। जैसे ही ये खबर बाहर आई वैसे ही इंटरनेट पर डिबेट का टॉपिक बन गई। अगर आपको याद हो तो साल 2018 में शाहरुख खान की फिल्म आई थी जीरो। डायरेक्टर थे आनंद एल राय जिनकी पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई, मगर वीएफएक्स के लिए इसकी खूब तारीफ हुई थी। इसके गाने और पिक्चराइजेशन के लिए भी लोगों ने इसे काफी पसंद किया था। इस फिल्म का बजट था 200 करोड़ रुपए, लेकिन हाल ही में आनंद एल राय ने बताया कि इसी बजट के चलते उनके और शाहरुख खान के बीच में बहुत ही भयंकर झगड़ा हुआ था। मिशेबल इंडिया को दिए इंटरव्यू में आनंद एल राय ने बताया कि फिल्म के सेट पर शाहरुख खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म के बजट को लेकर उनके और शाहरुख के बीच एक हेल्दी झड़प भी हुई थी। आनंद एल राय से पूछा गया कि बतौर प्रोड्यूसर क्या वो कभी जीरो जैसी फिल्मों पर इतने पैसे लगाएंगे। इस पर आनंद एल राय ने कहा, मेरे तो झगड़े ही इसी बात पर होते थे, वो बादशाह आदमी, मैं तो साधारण आदमी, मुझे लगता था कि इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं, मेरा तो दिल बहुत छोटा है उस मामले में, मगर फिर इसलिए वो शाहरुख खान है। जीरो फिल्म 5 फिल्मों के बराबर थी, एक शॉट को 5-5 बार शूट किया जाता था। इसके बाद उन्होंने बताया कि शाहरुख खान ने मुझे पहले 3-4 दिन देखा, फिर मुझसे कहा कि चिंता मत करो मैं करूंगा, उस आदमी में ताकत है रिस्क लेने की तो वो लेता है, फिर जो मिलता है वो उसकी अपनी मेहनत होती है। बता दें कि शाहरुख खान की जीरो को उनकी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म भी कहा जाता है जिसमें शाहरुख एक बोने बने हैं। इस फिल्म के बिहाइंड द सीन्स देखेंगे तो पता चलेगा कि इसके एक एक सीन को शूट करना कितना कॉम्प्लेक्स रहा होगा। वीएफएक्स के अलावा हर बार हर एक शॉट के साथ पूरा पूरा सेट चेंज करना पड़ता था। शाहरुख ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, फिल्म में रेड चिलीज का पैसा लगा था और ये शाहरुख के कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक थी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।